कोई भाभी या कोई औरत आपके साथ सोना चाहती है तो वो ये 6 इशारे देती है। पहला, वो आपके होठों को बार बार देखेगी, वो आपके होठों को देखकर रोमांस की दुनिया में चली जाएगी। दूसरा ये कि वो बार बार आपको छुएगी, तो अगर कोई शादीशुदा महिला आपको छू रही है तो उसे निराश ना करें, उसे बिस्तर पर ले जाएं। तीसरा ये कि वो आपको देखकर अपने ही होठ चाटेगी। चौथा ये कि वो आपके पास उकसाने वाले कपड़े पहनकर आएगी। वैसे तो भाभी से हर कोई मजाक करता है, लेकिन जब वो आपसे डबल मीनिंग बात करने लगे तो समझिए कि वो आपसे सेट है। अगर उसका पति बाहर रहता है तो वो संतुष्ट नहीं होगी, उसे आपकी ज़रूरत है। घबराइए मत, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं एक यूट्यूब वीडियो के जो कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, और उस पर आ चुके व्यूज़ हमारे बेचारे और दारी के वीडियोज़ पर आए व्यूज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत बेइज्जती महसूस होती है। खैर, वीडियो का टाइटल था कि अगर शादीशुदा औरत आपके साथ सोना चाहती है तो ये इशारे देगी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई, भाई मैं भी देखूं कि हम लड़कियां ऐसे कौन से इशारे करती हैं जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता है। क्लिक करने पर जो सुनाई और दिखाई दिया वो मैंने आपको अभी बता ही दिया, लेकिन क्लिक करने के बाद एक बढ़िया काम ये हुआ कि ऐसी ही कई वीडियोस मुझे सजेशन में दिखने लगी, और करीब 2-3 घंटे कैसे कट गए मुझे मालूम नहीं पड़ा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। लड़कियां पटाने की ये दुनिया अद्भुत है। ये वीडियोस देखकर लगता है कि आप किसी और दुनिया में हैं, क्योंकि इनमें कई वीडियोस पर दसियों लाख व्यूज हैं, माने लाखों लोग इन्हें देख रहे हैं और महीने दर महीने ये कंटेंट अपलोड हो रहा है। 10 दिन पहले से लेकर कई साल पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिन पर भर भर कर व्यूज आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस का फॉर्मेट क्या होता है। थंबनेल इमेज में, इसे आप पंकज त्रिपाठी की आवाज में सुने, एक आकर्षक स्त्री होती है। किसी में वो मदहोश आंखों से देख रही होती है, किसी में कामुक सी शक्ल बनाए होती है, किसी में जीभ निकली होती है, वगैरह वगैरह। मतलब आपको बताते हुए भी मुझे काफी क्रिंज महसूस हो रहा है अंदर से। इसमें फ्री पेक और पिक्साबे जैसे फ्री ग्राफिक सोर्सेस से डाउनलोड किए गए रोमांटिक ग्राफिक्स होते हैं। तो प्योर देसी एंकर के पीछे वाइट लोग एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। असल में इन वीडियोस की एडिटिंग इनके कंटेंट से ज्यादा खराब है। सीरियसली, कोई विदेशी लड़की पटाने के सपने तो हमारे यहां लड़के खुद ही नहीं देखते यार। आप उनको सिल्क की चादरों पर लेटे गोरे गोरे कपल्स दिखाकर काफी अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर रहे हो। खैर, तो भारतीय औरत के थंबनेल, विदेशी औरत के ग्राफिक्स और जेल वेल से बाल सेट किया हुआ एक देसी एंकर, जिसे देखकर ही लगता है कि टिकटॉक इंडिया में अगर अभी होता, इंडिया में बैन नहीं होता, तो इन बेचारों के पास आज रोजगार होता। इनके अलावा इन वीडियोस में कुछ भी नहीं होता। कुछ वीडियोस में लड़की के सामने प्रेजेंटेबल दिखने और उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए सम्मानपूर्वक बात करने जैसी बातें भी कही गई थी। आई मस्ट से आई वॉज इम्प्रेस्ड, लेकिन मेजरली इन वीडियोज में कूड़ा होता है। कई बार आप प्लेबैक स्पीड को 2x यानी कि डबल स्पीड से भी आप उसको ना जल्दी 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 बोलने लगता है एंकर। वैसा करने के बाद भी आप सोच रहे होते हैं कि क्या इससे ज्यादा और फास्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ वीडियोस इससे एक कदम आगे होते हैं, वो आपको टिप्स नहीं मंत्र देते हैं। एक वीडियो जिसे 2 मिलियन बार देखा जा चुका है, उसमें बताया गया है कि 3 लौंग लेकर उसे सूरज ढलने के बाद मिट्टी में गाड़ो, फिर उस पर पेशाब करो और पेशाब करते हुए बोलो ताशिन ताशिन मर्ताशिन, और वो लड़की आपको खुद व्हाट्सएप करेगी। ऐसा ही एक और लौंग का टोटका था जिसमें ओम क्लीम स्वाहा टाइप का कोई मंत्र बताया गया था। मतलब मंत्र में भी तो आप कम से कम थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो, लेकिन नहीं। इस वीडियो में तो एंकर ने ऑथेंटिक दिखने के लिए लाल टीका भी लगाया था। एक टोटका लहसुन में सुई चुभोने का था और मंत्र था या वदूदू। भाई, अब आप ये सब मंत्र जो है ट्राई मत करने लगना, मैंने ऐसे ही बता दिए। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे बताना चाहिए था या नहीं, क्योंकि अगर किसी लड़की को पता लग गया कि उसके पाने के लिए आप लौंग पर पेशाब कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे इंप्रेस होने भी वाली होगी तो वो नहीं होगी और आपसे दूरी बना लेगी। यार देखो, लड़की कोई कुत्ता, कोई जानवर या सर्कस में परफॉर्म करने वाला कोई जानवर तो है नहीं कि आप उसे कुछ करने के लिए ट्रेन करने लगोगे।
दोस्ती और प्यार जैसी चीज़ें नेचुरली होती हैं, और अगर कोई लड़की आपको पसंद है और आपको भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करती है, तो आप सम्मान के साथ पोलाइटली उससे सीधे पूछ लो ना कि क्या आपको वो डेट करना चाहेगी। अगर वो मना कर दे तो आप मूव ऑन करो भाई, वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। आप किसी के अंदर से जबरन प्रेम नहीं निकलवा सकते, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में उसे हरासमेंट कहते हैं। और अगर वो लड़की आपकी पहचान की नहीं है और आप उसे फिल्मी हीरो की तरह दूर दूर से देखकर ताड़ रहे हो, तो यकीन मानो लौंग और लहसुन से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। लौंग और लहसुन हालांकि सेहत के लिए अच्छे हैं, मैं तो नियमित रूप से खाने में इनका इस्तेमाल भी करती हूँ, आप भी करें। प्रेम अच्छा ना हो, सेहत तो कम से कम अच्छी होगी, सिल्वर लाइनिंग है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी दिन आपकी डेट हो तो लहसुन खाकर मत जाना, मुंह से बहुत गंध आती है। खैर, लड़के और लड़कियों, आप मुझे बताओ कि आपने अपने पार्टनर से कैसे किया था अपने प्यार का इजहार कमेंट बॉक्स में। वैसे तो वैलेंटाइंस डे निकल चुका है, लेकिन प्यार के तो सभी दिन होते हैं। आप देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।